देश को एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से C-295 विमान बनाए जाएंगे और आपको फिर से बता दें, भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट होगी और ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको साथ में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस भी दिखाई दे रहे होंगे। और मेक इन इंडिया की जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र 2014 से उन्होंने जब शुरुआत की मेक इन इंडिया की, तो अलग अलग क्षेत्र में मेक इन इंडिया का जलवा देखने को मिला है और खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में। अब ये एक बहुत बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। C-295 एयरक्राफ्ट जो कि भारत में ही यानी कि स्वदेशी होगा, यहीं पर इसे बनाया जाएगा। 2031 तक इसकी डिलीवरी का अनुमान जाहिर किया गया है और लक्ष्य भी यही है। आपको बता दें कि ये भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट होगी। तमाम तैयारियां आज प्रधानमंत्री चूंकि वहां पर मौजूद रहने वाले थे, पहले से ही तैयारियां पुख्ता दिखाई दे रही थी। गुजरात के वडोदरा से ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। उनके साथ स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेस, वो भी पहुंच चुके हैं। टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन किया जाना है। C-295 विमान जो कि अब बनाए जाएंगे और भारत की पहली, ये निजी क्षेत्र की पहली यूनिट होगी। अलग अलग जगह पर तैयार जो कलपुर्जे हैं उन्हें जोड़कर सैन्य विमान इसमें बनाया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये योजना इसीलिए भी खास है क्योंकि इसमें टोटल जो कुल बताया जा रहा है 56 विमान शामिल हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पूरी तैयारियां प्रधानमंत्री के आने पर यहां पर कर ली गई थी। ये रोड शो आप देखिए, और ये रोड शो इसीलिए आज जरूरी है, इसीलिए इसका दमखम आज देखने को मिल रहा है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा देश की जनता से किया था, हिंदुस्तान दूसरे देशों पर किसी भी रूप में ना निर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा जब मेक इन इंडिया की बात सामने आती है तो उसमें डिफेंस सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूती के साथ मेक इन इंडिया के लिए वहां काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। वडोदरा से पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, ये लाइव तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। अमिताभ इस वक्त मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ जी, ये जो तस्वीर आज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मेक इन इंडिया में बहुत बड़ा कदम है। देखिए, बहुत बड़ा कदम है और भारत और स्पेन का जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसको और सुदृढ़ करने वाला कदम है। और पहला एरोस्पेस प्रोजेक्ट जो है भारत का, जो प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है इंडियन एयरफोर्स का, उसमें ये उसका उद्घाटन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगले साल से ये जो प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है, इससे हमारे प्लेन जो है फाइटर प्लेन्स वो भारतीय वायुसेना में शामिल होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन रहेगा। और पहली बार जो मैं लोकल फॉर वोकल और जो मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री ने की, उसकी शुरुआत इसी बड़ौदा से हो रही है। और बड़ौदा में स्पेन के साथ ये टाई अप है और पहली बार स्पेन के प्रेसिडेंट जो 18 साल के बाद भारत आए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री का ये शो रोड शो दिखा रहा है कि भारत में अब विदेशी निवेश और भारत के साथ कोलेबोरेशन को लेकर कितनी अब ज्यादा उम्मीदें दुनिया भर के देशों को हो रही है और कितना भरोसा दुनिया के देशों को हो रहा है। प्रधानमंत्री के बार बार के दौरे और विदेश के इन बड़े बड़े राजनयिकों का भारत आना और भारत के साथ इतने बड़े बड़े समझौते करना, ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्पेन है भारत में सबसे बड़ा 16वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है FDI का, जहां $4.2 बिलियन जून 2024 तक स्पेन ने भारत में इन्वेस्ट किया है। कम से कम 203 स्पेनिश कंपनियां भारत में सक्रिय हैं और भारत की 80 कंपनियां स्पेन में सक्रिय हैं। और इंडियन डायस्पोरा भी स्पेन में काफी स्ट्रांग माना जाता है, 75,000 से 1,00,000 के करीब इंडियन डायस्पोरा भी वहां पर है। तो कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट सांचेस की का जो ये रोड शो है, ये पूरे बायलैटरल रिलेशंस को रिविजिट करेगा और दुनिया को ये दिखाएगा कि भारत अब कितनी बड़ी ताकत बन चुका है इन्वेस्टमेंट में और भारत कितनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। और जो सपना है प्रधानमंत्री का कि दुनिया को भारत को एक विकसित भारत बनाए 2047 तक, उसमें एक बहुत बड़ा बढ़ता कदम है ये मेक इन इंडिया और पहली बार प्राइवेट सेक्टर का भारतीय वायुसेना के साथ जुड़ना, ये बहुत बड़ा कदम है।
बिल्कुल अमिताभ जी, तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो भारत और स्पेन की जो मित्रता है उसका भी एक बड़ी तस्वीर उससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा व्यापार में कैसे मजबूती यहाँ पर लाई जा रही है उससे भी जुड़ी हुई बड़ी तस्वीर है। अमिताभ जी, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, यानी कि हमें दूसरे देशों पर जो निर्भरता इससे पहले रहती थी उसको किसी ना किसी तरह कम और फिर खत्म करना होगा, उस वक्त ये बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें इस बात को लेकर बयां कर रही हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा विजन भारत के लिए सेट किया है तो कैसे धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हुए भी उस लक्ष्य को पाने के लिए दिखाई दे रहे हैं, और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।